guys, pagtara ng uriya. ये जंगल टाइप का वहाँ आगे तो हम आगे करता हूँ, वहाँ पे एक पट्टी टाइप की है, वहाँ पे प्लेन है, यहाँ लोग एक्सरसाइज रनिंग वगैरह के लिए आते हैं और अपने डॉग को वॉक कराने आते हैं इस पूरे जंगल में। मतलब एक मंदिर है ये, जो जहाँ मैं रहता हूँ वहीं पे स्थित है और वो यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर यही है फिलहाल तो, और इससे बड़ा मंदिर को आज तक कोई टक्कर नहीं दे पाया है। एक तो इतनी बड़ी जगह है, चढ़ो गो, ये देखो वहाँ के गए पापा, अभी ये भी जाएगा उनके पीछे पीछे। इसकी स्पीड देखो कितनी स्पीड से जा रहा है। अभी हम लोग उस गाइस अभी पट्टा देखिए, हम लोग चलते हैं उस साइड से। पट्टा कहाँ गया? पट्टा उधर है, शिट मैन। सो गाइस अभी पट्टा उठा लिया, अभी चलते हैं। वो लोग वहाँ पे सभी वहीं चल रहे हैं, अभी हम लोग वहाँ सामने हैं। और ऐसा कि ये है तालाब टाइप का है, ये देखो छोड़ो काम काम। सो गाइस इस तरीके से इसकी स्पीड देखो कितनी इतनी भयानक स्पीड है इसकी, आ रहे हैं उस तरफ से। तो अभी पहले मुझे पहाड़ी पार करनी पड़ेगी ये वाली, तो जूम पहले बंद करूँ मैं। वो लोग आ रहे हैं एंड पूरा ऐसे आधे से ज़्यादा तो जंगल टाइप का है। हम लोग तो यहाँ के सबसे पहाड़ी वाले एरिया में खड़े हैं इस समय, देख रहे हो गाइस पूरा तालाब जंगल। ये तालाब तो खैर सूख गया है पूरा, ऐसे घने घने पेड़ ऊपर। अब एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो बड़ा अजीब सा लग रहा है ऐसा सांस आया हुआ। ओ ओ शिट मैन, ओ शिट भाई, मुझे बहुत खतरनाक चीज मिली है। अभी हम उसी के पास चल रहे हैं, आप लोग के लिए हिम्मत उठा के अभी मैं चल रहा हूँ उसके पास। गाइस ये बहुत बड़ी सीन हो गई है, जैसे कि देख सकते हो मैं ज्यादा पास नहीं जाऊँगा। वो होल देख रहे हो गाइस, भाई वहाँ कुछ है, वहाँ कुछ है गाइस, वहाँ सांप सपेरा कुछ तो है, देख रहे हो ये इसी होल के अंदर। मैं एकदम अभी आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, कैमरे को जूम किया है, लेकिन यहाँ कुछ तो है भाई, मैं पास नहीं जान चाहूँगा। अगर कोबरा है या एनाकोंडा मतलब कोबरा या अजगर हुआ तो मुझे यहीं से खा डालेगा। तो भाई गाइस कैमरे में कुछ वाइट वाइट से चमक रहा है इन लकड़ियों के बीच में, वो तो पेड़ पौधे हैं लेकिन वो वाइट क्यों चमक रहे हैं, ग्रीन होना चाहिए। अभी मैं नीचे भी देख रहा हूँ, बड़े आराम से जा रहा हूँ भाई, मैं ना जा रहा हट। अभी वो लोग वहाँ से लौट के उसी वाले पे आ चुके हैं, और जैसा कि देख सकते हो तो ये सब पैर के निशान, ये सब गड्ढे देख सकते हो कि ये पूरे गड्ढे मैंने आपको दिखाए और ये आगे भी हैं। ये सब यहाँ पे घोड़े और यहाँ पे हाथी बहुत रहते हैं, उन्हीं के निशान हैं ये सब, और यहाँ भी हैं सब खोसी के निशान है। सो गाइस अभी हम चलती हैं घर की ओर। हाँ शैडो की भी वॉक हो गई थी, हम लोग कब का आए थे और काफ़ी देर का आए थे, इसी वजह से शैडो को हम लोग देख रहे हो, वहाँ सब लोग वॉक करने जा रहे हैं उधर सामने, जूम करके दिखा रहा हूँ, सब लोग वॉक करते हैं यहाँ पे। एंड
यहाँ का नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग भी यहाँ आना अगर यहाँ पे रहते हो तो कभी एक बार आके देखना, बहुत अच्छी फीलिंग होती है यहाँ पे जो लोग रहते हैं और जो लोग जानते नहीं हैं। अब जैसे कि कोई मेरा सब्सक्राइबर है वो रेंट पे रहने आया है यहाँ पे और उसको पता नहीं है, तो अभी हम चल रहे चढ़ो। शेडो का आगे से रिएक्शन दिखाता हूँ। तो गाइस अभी हम वहाँ सामने से आ चुके हैं, यहाँ से भी हम लौट के आ गए हैं एंड वो शेडो है। और ये मंदिर के बारे में जैसे कि बताया था, ये एक मंदिर है, काफ़ी बड़ा मंदिर है ये। शेडो चल नहीं रहा, उसको चलो बोल रहे हैं। क्या है ना गाइस, शेडो कभी भी मेरे बिना जाता नहीं है, उसको अगर हम दो उसको टहलान लेके आए तो वो मेरे साथ ही जाएगा वरना वो किसी के साथ नहीं जाएगा। और यहाँ पे कुछ देसी पपीज़ हुए हैं, एक की पता नहीं किसके सो एक मदर है, देसी मदर डॉग की, उसकी पपीज़ हुए हैं। तो अभी देखते हैं मास्क पहने तो देखते हैं वो मिलते हैं कि नहीं। ये मंदिर का गेट है पूरा, ये उधर सब वो रे मदर अभी इसका रिएक्शन रिकॉर्ड कर रहा था मैं, अफसोस कर ना पाया। जैसा कि ये एक यहाँ पे कई सांप छोड़े जाते हैं, यहाँ पे मेन यहीं पे छोड़े जाते हैं, बाकी का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा सांप की जैसे कोबरा हो गया सब आधे से ज़्यादा सब यहीं रहते हैं इधर। और देख रहा हूँ वहाँ एक सांड मर के पड़ी हुई है, दिखाता हूँ मैं, देख रहा होगा वो एक पत्थर है वाइट, और पत्थर के बगल में जो ब्लैक ब्लैक है वो एक सांड है, वो एक्चुअली अब मर नहीं रही, मर चुकी है, वाइट पत्थर के जस्ट इस वाली साइड में, तो वो मर चुकी है। मकान देख रहे हो, बड़ा सा मकान है एकदम बंगले जैसा। आज की सुबह अमेजिंग रही, शर्टो भी दौड़ लिया और करीबन 9 मिनट्स का व्लॉग हो चुका है। और यहाँ लोग पोनीज पालते हैं, जिसको पोनीज चाहिए होते हैं, पोनीज घोड़े, तो वो सब यहीं से लेके जाते हैं। तो ये पूरा यहाँ पोनीज का दुकान है एक तरीके से देखा जाए, यहाँ सब पोनीज बेचे जाते हैं और उनका खाना भी सरकारी अवेलेबल कराती है या कभी कभी हम कराते थे। ये किड्जी स्कूल है एक बड़ा सा, तो गाइस कैमरे की स्टोरेज फुल हो रही है। सी यू सून, बाय बाय एंड स्टे केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय। See you in next video.